हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, कैसे हैं? समस्त हैं, अच्छे हैं। तो बेटा, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो मिनरल न्यूट्रिशन हायर प्लांट है, उच्च पादपों के अंदर खनिज पोषण, तो बेटा जी आपको वहाँ पर मैंने जो कल्चर एक्सपेरिमेंट है कि इसेंशियल एलिमेंट को, अनिवार्य तत्वों को जो निर्धारित करने के लिए जो कल्चर एक्सपेरिमेंट है, संवर्धन प्रयोग है, हाइड्रोपोनिक्स का जो सेटअप है, और आप जानते हैं कि पादप के लिए अपन ने विद सोयल लेस, मृदा विहीन, एक डिफाइंड जो मिनरल का सॉल्यूशन बनाया था और वहाँ प्लांट को ग्रो कराया था, यस। और उसके बाद अपन ने बात की कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है और डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो ये सारा मैंने आपको अध्ययन करवाया था। तो बेटा आज के लेक्चर में अपन बात करते हैं जो आपको एनसीईआरटी ने कुछ एक टेबल फॉर्म में एक बात दे रखी है कि रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये आपको बिल्कुल फास्ट एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्यों? ध्यान सुनना, जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो पूरा मेटाबॉलिज्म होगा, वो प्रकाश संश्लेषण और शोषण, तो वहाँ बहुत सारे एंजाइम यूज होंगे, तो वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज होंगी, उसमें ये सारे खनिज तत्व है कहीं ना कहीं अपना रोल करेंगे, स्पेशली सूक्ष्म मात्रिक का वहाँ बड़ा रोल आएगा। तो वो और क्लियर वहाँ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बट अपन बात रही कि अपन को यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने दे रखा है तो वो यहाँ क्लियर करना, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एन टू मेटाबोलिज्म, नाइट्रोजन उपापचय, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन करेंगे। तो पहले आप इसको आप क्लियर कर लें। तो मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जो भी आपके अनिवार्य तत्व, उनकी भूमिका क्या है, या रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी अपन कहें बेटा कि व्रत पोषक तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की भूमिका, इनका क्या भूमिका है बेटा, कौन कौन सी फंक्शनिंग के लिए, कौन कौन सी कार्यों के लिए, या तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है पादप का, संरचनात्मक भाग जीवद्रव्य बनाने में काम में आते हैं, या फिर फंक्शनिंग जो एंजाइम की फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसके अंदर आपके यूज होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था कि देखो बेटा कि जो CHO है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तुम्हें बताया ये तो नॉन मिनरल है, क्योंकि इनको तो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, एयर से और H2O से। बात को समझे, CO2 का फिक्सेशन होता है एयर से, कार्बन और ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि जो वाटर है तो सोयल वाटर को प्लांट लेते हैं हाइड्रोजन को। तो ये आपके जो CHO, ये तो नॉन मिनरल है, क्योंकि मिनरल वही है जो भूपरटी, अर्थ क्रस्ट या मृदा, सोयल सॉल्यूशन, मृदा विलयन से जो आवेशित रूप में है, वो आपके क्या है, खनिज है। तो CHO को छोड़ के बाकी सारे खनिज हैं, जो भी 17 अनिवार्य तत्व है ना, उनमें से 3, मतलब ये CHO को छोड़ दो, बाकी सारे क्या हैं, 14 आपके मिनरल्स हैं, खनिज हैं, यस बेटा। तो देखो कि अब अपन रोल पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो वो जो खनिज है उसको प्लांट सोयल से, मृदा विलयन से किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, कौन से आवेशित रूप में उसको अवशोषित करते हैं, फिर पादप के अंदर उसका मेन फंक्शन क्या है, यस बेटा, कि उसका फंक्शन क्या है, बात को समझ रहे हैं आप, और वो किन किन चीज़ों का, अगर वो संरचनात्मक है तो संरचनात्मक किन किन चीज़ों का घटक है, और या फिर वो फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके कार्य क्या हैं, और अगर उसकी न्यूनता हो जाए तो डिफिशियंसी सिम्टम अपने कॉमन ही पढ़े, जैसे पर्टिकुलर, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आता लेकिन छोटा मोटा जो कई क्वेश्चंस आपके सीट में ऐसे दे रखे होते हैं तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे, यस। तो उसका डिफिशियंसी सिम्टम या न्यूनता के लक्षण, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन ने हेडिंग डाल दी, सबसे पहले देखो यहाँ पर अपन देखते हैं बेटा मिनरल एलिमेंट के अंदर, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है मिनरल एलिमेंट में, वो आपका क्या है बेटा, नाइट्रोजन। भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है बेटा, नाइट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा आपकी फर्स्ट एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है, सॉरी ये पेन, फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका, नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं बेटा कि ये सब, आप जानते हैं मिनरल में सबसे ज़्यादा पौधों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की, है ना भाई, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स पौधों को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट
अमाउंट सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, कौन? नाइट्रोजन। यस, इसलिए आप जानते हो जैसे अपन कृत्रिम पारितंत्र जो फसल उगाते हैं तो वहाँ सिंचाई के दौरान अपन बार बार कृत्रिम उर्वरक यूज कर रहे हैं, हालांकि उनका लॉन्ग टर्म नुकसान है। यूरिया डीएपी, तो उसके ऊपर लिखा था ना एनपीके, तो आप जानते हैं 46% वहाँ यूरिया में नाइट्रोजन होता है, 46 पॉइंट समथिंग। तो आप समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन यानी रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। अच्छा जी आ जाओ, अब नाइट्रोजन का पौधे अवशोषण मतलब अपटेक एब्जॉर्प्शन इसको किस रूप में करते हैं अवशोषण, तो आप क्या कहोगे? मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं सोयल से, है ना? और या फिर अपन कहें कि नाइट्राइट तथा अमोनियम आयन के रूप में, कर सकते हैं। यस बेटा, तो ये तो आपका क्या बात होगी, यानी एब्जॉर्ब इसको किस रूप में करते हैं, अवशोषण किस मात्रा में करते हैं, तो मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, किसको? नाइट्रोजन को। अब आप जानते हो बेटा कि जैसे मैं इसकी बात करूंगा किसकी, फंक्शन की, कार्य की, तो ऐसे एक हर तत्व क्या बनाते जाएं, पहले तत्व का नाम क्या है, फिर किस रूप में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, किस आवेशित रूप में, फिर उसका फंक्शन क्या है, फिर अगर वो संरचनात्मक घटक है तो किन किन का कंपोनेंट है, और फिर आप जानते हैं कि डिफिशियंसी सिम्टम अगर कोई है तो वो क्या है। बात को समझे? तो फिर आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि जैसे मैं यहाँ बात करूँगा फंक्शन की, है ना, तो आप क्या कहोगे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एक पादप के सभी भागों को आवश्यकता होती है, सभी भागों के लिए आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है। लेकिन अपन क्या कहेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर, कि विद्युतक और उपापची रूप से सक्रिय, यानी जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, विद्युतक तथा उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि विद्युतक तथा उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में यह सर्वाधिक रूप से आवश्यक होता है, यह सर्वाधिक रूप से आवश्यक होता है। यस बेटा, तुम्हें पता है जैसे ही प्लांट सोयल से इसको अटैक करता है तो फटाफट ये अपन मात्र की जो ग्रोइंग रीजन होते हैं यानी बड, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं शीर्ष विभाजक, वहां जाता है, क्योंकि वहां इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। बात के समझे? यस। और आप जानते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको मैंने बताया भी था कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का संदमन, तो वृद्धि रुकेगी ना, है ना? बोलो। तो आप समझें कि विद्युतक तथा उपापची रूप से सक्रिय या फिर हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स हों, तो प्लांट में तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव कौन होती है? विद्युतक सेल्स ही होती हैं जो सबसे ज्यादा उपापची सक्रिय होती है, वहां अपन बात करें कि सर्वाधिक रूप से आवश्यक होता है बेटा कौन? ये नाइट्रोजन। यस। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि भाई ये किस किस का घटक है ना, मतलब किन किन चीजों का घटक है। तो आप कहोगे बेटा अगली बात अपन कराएं कि भाई यह एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल, सभी एमिनो अम्ल में होता है ना, एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। यस बेटा, तो आप कहोगे कि भाई एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, हार्मोन है, विटामिन, हार्मोन। यस बेटा, कोएंजाइम, क्लोरोफिल, आदि का घटक मतलब कंपोनेंट है।
घटक होता है इन सब का, समझ गए? तो ये बात आपके सामने आ गई कि एमिनो एसिड्स आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन क्यों नाइट्रोजन सारे के तो न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन और कोएंजाइम, कभी कभी एटीपी भी, क्लोरोफिल आदि का घटक है, कंपोनेंट है। बात को समझ रहे हैं? यस, ये सारी बात आपकी हो गई। अब देखो आप समझते हो कि मतलब मेजर फंक्शन की बात होगी कि जब विद्युतक में आवश्यक है तो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, ग्रोथ वृद्धि है, या उपापचयी गतिविधियां जैसे प्रकाश संश्लेषण, इनमें ये आवश्यक होता है। कौन बेटा? नाइट्रोजन। यस, अब आप जानते हो कि अगर डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करेंगे अपन, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी न्यूनता के लक्षण, तो खैर अपने बता दिया था कि ये गतिशील है, मोबाइल एलिमेंट है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि कमी जो होगी पुरानी पत्तियों में, क्योंकि जैसे ही कमी होगी तो पुरानी पत्तियों से पुनः निकल कर किधर आ जाएंगे? विद्युतक की ओर, क्योंकि रिक्वायरमेंट कहाँ? विद्युतक पे। तो पुरानी पत्तियों में आप जानते हो बेटा कि क्लोरोसिस हरिमाइन था, वो तो होगी होगी, आप जानते हो कि क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार आपके होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक अच्छी सी बात बताई, क्लोरोसिस जो होती है ना वो तीन प्रकार की होती है। पहली, जैसे अपन बात रही अपन ऐसे कहीं पीलापन आपका जो है वो तीन प्रकार का होता है, सॉरी मैं ऐसे कहूँ, क्लोरोसिस नहीं, येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीलापन तीन प्रकार का होता है। एक अगर किसी तत्व की न्यूनता से होगा तो क्लोरोसिस कहलाएगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में जब क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं हो पाता तो इट्यूलेशन, इटायुलेशन आपने पांडुरिता बोला था। और कभी कभी कोई रोग हो जाए वायरस का तो स्पॉट बनते ना, धब्बे बन जाते हैं, तो जो येलोइंग ऑफ लीव्स है, पीलापन है, वो आप जानते हो क्लोरोसिस करेगा ये, क्योंकि खनिज तत्व है ना ये, इसलिए। तो आप जानते हो बेटा, तो देखो कि डिफिशियंट सिम्टम में ये क्लोरोसिस और क्लोरोसिस हरी महीनता, लॉस ऑफ क्लोरोफिल मैंने बताया था, तो येलोइंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों का पीलापन। अब आप समझ सकते हैं कि खनिज तत्वों की कमी से अगर पीलापन आए तो हरिमाइनता होगी ना। अब नाइट्रोजन की कमी होगी तो आप जानते हैं कि हरिमाइनता सबसे पहले पुरानी पत्तियों में ये लो जी, समझ गए? इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, स्टंट ग्रोथ, वृद्धि अवरुद्ध, समझे? क्योंकि कोशिका विभाजन का संदमन करता है, कोशिका विभाजन का संदमन, और इसके अलावा अपन जानते हो कि जब कायिक वृद्धि हो जाती है तो पुष्पन में देरी में के लिए भी जिम्मेदार है, अगर कमी हो जाएगी तो पुष्पन में देरी। ये आप जानते हो कि कई सारे जो ऐसे डिजीज, आप जानते हो कि लेट फ्लावरिंग है, ये कलरेशन है, ये सारी बातें आपके सामने आएगी। बात को समझे आप? और आप जानते हैं बेटा कि नाइट्रोजन तो बहुत विद्युतक क्षेत्रों पे चाहिए, तो फिर आप क्या कहते हो, और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल जैव अणुओं का ये घटक है, तो नाइट्रोजन सभी प्रकार की उपापचयी गतिविधियों में, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन वृद्धि, कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन और जनन वृद्धि, इन सब में आवश्यक होता है। बात को समझ रहे हैं आप? तो खैर जो भी बातें होती है नॉर्मल अपन ने लिख दी यहाँ पे, येलो जी, क्लियर बेटा? तो आप देखिए बेटा, अपन सेकंड जो एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन के बाद में, फास्फोरस, तो सेकंड यहां पर आपका क्या है बेटा? फास्फोरस। तो देखो बेटा कि पौधे इसको मृदा से किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं, तो अवशोषण की बात करेंगे अपन, तो अवशोषण तो आप जानते हैं कि एच, यस बेटा, यानी यहां पर सबसे पहले अपन लेंगे H2PO4- या HPO4 2- या है ना, और अपन ले सकते हैं PO4 3-। इट मीन आप जानते हैं बेटा कि किस रूप में लेंगे बताओ, फॉस्फेट रूप में,
फॉस्फेट रूप में अब्जॉर्ब करेंगे। यस बेटा, यस यानी आपने कहा कि किस रूप में आपके अब्जॉर्ब करेंगे, तो H2PO4- और HPO4 2- और फिर अपन कहते हैं कि PO4 3- सोयल से, मृदा से, फॉस्फेट के रूप में। अब देखिए बेटा कि फिर आप जानते हो कि पौधे में इसकी आवश्यकता क्या होती है, रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, फिर फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल रोल यानी कार्य की भूमिका। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन भी पढ़ाता है, यहाँ फंक्शन, ये यहाँ पहले रिक्वायरमेंट है, वो तो एक ही बात है, रिक्वायरमेंट और फंक्शन अपने एक साथ करते, रिक्वायरमेंट है इन भागों पर, रिक्वायरमेंट है और साथ में फंक्शन आपके हो गए, फिजियोलॉजिकल रोल कोश का विभाजन में नाइट्रोजन का हुआ था। अब देखिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट पौधे को कहाँ होती है, सबसे पहले तो एक पादप में फास्फोरस की आवश्यकता आप जानते हैं बेटा कि जो विकसित होते हुए यानी विकासशील फल डेवलपिंग फ्रूट और विकासशील फल होता है, सीड होता है यानी बीज होते हैं, है ना, और स्टोरेज ऑर्गन होते हैं यानी जो संचयकारी अंग होते हैं, है ना बेटा, और आप कहें कि यंग जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं तरुण विभज्योतक उत्तकों पर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। यस बेटा, अब देखिएगा कि इसका कार्य क्या है, इनके फिजियोलॉजिकल रोल वो भूमिका क्या क्या है इसकी, या अपन कहें कि फंक्शन वो एक ही बात है, या किसके ये घटक हैं। यस बेटा, ये बात आपके सामने होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फास्फोरस है वो मुख्यतः आप जानते हैं कि फास्फोरस मुख्यतः जैविक झिल्लियों, जो भी बायो मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो पूरी कोशिकाओं से घेरने वाले मेम्ब्रेन हो या फिर ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन हो, तो जैविक झिल्लियों, यस बेटा, जो मेम्ब्रेन्स हैं, यस बेटा, तो फास्फोरस, अब बात आपकी आ जाएगी कि भाई फिजियोलॉजिकल, तो फास्फोरस जैविक झिल्लियों, कुछ प्रोटीन, निश्चित प्रोटीन, या मैं सबसे मेन कहूँ न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक अम्ल है, यस बेटा, एटीपी है, जो ऊर्जा रिलेटेड आपको मैंने बताया था कि एटीपी है, यस बेटा, जैसे न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, एटीपी, एनएडीपी और न्यूक्लियो प्रोटीन, एनएडीपी और न्यूक्लियो प्रोटीन का संगठक है, कॉन्स्टिट्यूट है, संगठक है, ये फास्फोरस, पहली बात हो गई। अब देखो बेटा कि अगली बात क्या है और इसका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है फास्फोरस का, तो अपन बहुत इंपोर्टेंट बात बताएंगे कि सभी फास्फोरिलीकरण अभिक्रियाओं में ये आवश्यक होता है, तो आप क्या कहोगे कि यह सभी फास्फोरिलीकरण प्रक्रियाओं में या अभिक्रियाओं में आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है, सभी टाइप की, है ना, और जैसे आप जानते हो कि एटीपी में भी, है ना, एटीपी में भी एनर्जी रिच, ऊर्जा से भरपूर, एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड, और फास्फोरस होता है, जैसे आप जानते हैं कि बेटा कि एडीपी, मैं आपको बताता हूं कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, अगर वो मोनोफॉस्फेट से जुड़ेगी, इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट, यस बेटा, तो आईपी, तो आप जानते हैं कि ये लो एटीपी, और एटीपी अगर ब्रेक हो जाएगी तो आईपी और एडीपी में, बात को समझे, तो आप जानते हैं कि एनर्जी रिच जो कम आपके बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड्स, यस बेटा, ये आपकी बात आ गई। अच्छा सुने कि इसलिए आप जानते हैं कि सभी फास्फोरिलीकरण प्रक्रियाओं में आवश्यक है। अगर फिर अपन बात करेंगे कि
अगर इसकी डिफिशियंसी होगी, कमी हो जाएगी फास्फोरस की, तो आप जानते हैं कि डेफिशिएंसी होने पर पत्तियों में पर्पल, कुछ बैंगनी पर्पल और रेड स्पॉट बनते हैं, धब्बे बनते हैं। यस बेटा, तो ये सारा किसके लिए हो गया? फास्फोरस के लिए। यस बेटा, ऐसे आपको प्रत्येक एलिमेंट को वहाँ से करना है। बात को समझ रहे हैं आप? प्रत्येक एलिमेंट को करना है। जैसे अपन अब नेक्स्ट लेते हैं, पोटेशियम अपन लेंगे, समझ रहे हो ना? तो पोटेशियम ले लेते हैं, तो इस फॉर्म में बेटा, फिर मैं सबको आपको बता दूंगा। और एक एक वर्ड जो एनसीईआरटी का एक एक शब्द है, उसके इंग्लिश से कयों में किसका घटक होता है, कयों का संश्लेषण क्या होता है, कौन किस में आवश्यक है ना? ऐसे आप जानते हो, जैसे आप जानते हो फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल का घटक है, यहाँ तो घटक है ये तो, लेकिन कुछ ऐसे आगे आएंगे जो उनके संश्लेषण में सहायक होंगे, तो वो आपको सारा ध्यान रखना बेटा। लैंग्वेज पे आपको एक एक शब्द पे ध्यान रखना है, तो अपने आप आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हाँ तो बेटा, अब आप थर्ड देखिएगा, देखो पोटेशियम। यस, तो जो पोटेशियम है आप जानते हो उसको कैसे दर्शाते हैं आवसारणी में, तो आप ध्यान दो बेटा कि जो पोटेशियम है इसको प्लांट किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो आप जानते हो कि पादप पोटेशियम का जो अवशोषण है तो किस रूप में करते हैं बेटा, पोटेशियम आयन के प्लस, यानी पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। यस, और एक बात सुनो, जितने भी धनायन एब्जॉर्ब होंगे, अन्य जो आवश्यक तत्व तो सारे डाइवेलेंट होंगे, द्विसंयोजी होंगे, चाहे वो मैग्नीशियम हो, आगे देखना चाहे वो कॉपर मैग्नीज कुछ भी हो, जिंक हो, यहाँ आप देखना कि ये एकमात्र एकमात्र एक संयोजी धनायन है, मोनोवेलेंट कैटायन एकमात्र एक संयोजी धनायन जो सॉयल से पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, मोनोवेलेंट कैटायन है ना, एकमात्र एक संयोजी धनायन पोटेशियम। यस बेटा, अब देखिएगा सबसे पहले अपने बात क्या की थी, किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, आवश्यकता कहाँ कहाँ है। यस बेटा, रिक्वायरमेंट तो आप जानते हैं कि बेटा सबसे पहले आप जानते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट विभज्योतक उत्कों, मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक उत्कों, नवनिर्मित जो कलिकाएं, कच्ची कलिकाएं, बर्ड्स, लीव्स, पत्तियों और रूट टिप, मूल शीर्ष पे इसकी आवश्यकता होती है। तो पादप में सबसे बड़ी इसकी आवश्यकता होती है विभज्योतक उत्कों, बर्ड कलिकाओं, पत्तियों और रूट टिप पे इसकी होती है। यस बेटा, फिर देखो अपन बात करते हैं कि भाई इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है बेटा, कार्य की भूमिका क्या है, या फिर वही बात करें अपन, कार्य की भूमिका मान लो या फंक्शन की बात कर लो, चाहे किसका, पोटेशियम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा कि देखो ये किसमें सहायता करता है, ये आप जानते हैं बेटा कि यह एनायन ऋणायन धनायन जो ना, एनायन कैटायन बैलेंस जो नियमन होता है, बैलेंस में सहायता करता है ना बेटा, यानी पीएच नियंत्रण या जैसे बफर एक्शन, बफर विलयन की तरह, बफर विलयन में है ना, ये बफर आप जानते हो ना, जो एनायन कैटायन बैलेंसिंग। यस, तो ये आप जानते हो कि बफर कार्य में ये आपका हेल्प करता है, कौन है, पोटेशियम। यस बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, देखो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भाई बफर एक्शन या पीएच नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है या हेल्प करता है। यस, उसके बाद में देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बताऊं कि नेक्स्ट देखो ना, ये प्रोटीन का घटक नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन
प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, सहायता करता है। कौन है? पोटेशियम। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया था रंध्री गति समझाया था, वहां पर स्टोमेटल मूवमेंट, तो स्टोमेटल मूवमेंट क्या था? रंध्रों का खुलना और बंद होना, खुलने व बंद होने में सहायक। तो आप जानते हो रंध्री गति के लिए जो सबसे बेस्ट सिद्धांत आया था पोटेशियम आयन परिवहनवाद सिद्धांत, तो रंध्री गति रंध्रों के खुलने बंद होने में सहायक था, सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस बेटा। और आप जानते हो कि कोशिका की स्पित्ता ट्रेजिडिटी को बनाए रखने में सहायक। यस बेटा, आप सारे समझ रहे हैं ये? तो ये आपका काम कौन करता है? पोटेशियम। यस भाई, रंध्रों के खुले बंद होने में सहायता करता है रंध्री गति में, और कोशिकाओं की जो स्पित्ता की को नियमन मेंटेन करने में हेल्प करता है। यस। और प्रोटीन संश्लेषण में ये अपन वात्र की सम्मिलित होता है। यस बेटा। कौन है? जो आपका पोटेशियम है। क्लियर। और आप जानते हैं बेटा कि जो पोटेशियम, इसके अलावा जो कई सारे को फैक्टर एंजाइम, कई सारे एंजाइमों का को फैक्टर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो आप जानते हैं बेटा कि कई सारे एंजाइम या अनेकों एंजाइम के लिए को फैक्टर सहकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, पता है आपको? यस। और जानते हैं आपकी कौन से एंजाइम जो फोस्फोराइलेशन से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से या क्लोरोफिल संश्लेषण से संबंधित होते हैं? यस, ऐसे अनेक एंजाइम के लिए ये कोफैक्टर के लिए काम करता है। यस बेटा। और आप बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर इसकी समझे कि देखो सक्रिय परिवहन के दौरान ये सोडियम पोटेशियम पंप से संबंधित होता है, तो सक्रिय परिवहन के दौरान उनका परिवहन के दौरान जो इंपॉर्टेंट पंप है सोडियम पोटेशियम पंप के साथ आप प्रयुक्त होता है। तो बेटा एक एक बातों को आप समझें। यस, ये सारी बातें आपकी होगी। क्लियर। इसके अलावा देखो इस पोटेशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, तो ये बात है कि प्रोटीन का घटक नहीं है ये, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होता है, उसमें सहायता करता है या सम्मिलित होता है, ये ध्यान होता इनवॉल्व होता है ना? इसे एक एक लाइन को सही से पढ़ना। अब देखिए क्या कि डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, है ना? न्यूनता के लक्षण क्या है इसके? थोड़ा देखो, मैंने आपसे कहा था कि न्यूनता के लक्षण में अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जैसे पत्तियों का पीलापन आता ना, क्लोरोसिस, हरी महीनता। फिर मैं बात समझा देता हूँ कि भी क्लोरोफिल का नाश किसी खनिज तत्व की कमी से या पीलापन खनिज तत्व की कमी से आए, येलोइंग ऑफ लीव्स, तो वो आपका क्लोरोसिस होता है। वरना तो मैंने कहा ही था कि प्रकाश की कमी से आए तो पांडुरिता इट्यूलेशन होता है, और अगर कोई संक्रमण से आए तो वो स्पॉट बनते ही मोजेक होता है। अच्छा, क्लोरोसिस लेकिन कई प्रकार की होती है। जैसे एक की पत्ती होती है, एक तो आप जानते हो किसी पूरी पत्ती में ही पीलापन आ जाए, फिर एक आप जानते हो कि जैसे ये पत्ती होती है तो पत्ती की जो सिरा होती है ना, कभी कभी आप जानते हैं सिराएं, ये वीन्स, ये जो वीन्स होती है ये पीली हो जाए केवल वीन्स, या बीच बीच में इन वीन्स के बीच में यहाँ यहाँ पीलापन आए, तो उसको आप बोलोगे इंटरवीनल क्लोरोसिस। यस, ये आपका होता है इंटरवीनल क्लोरोसिस। सही। अब सुनना, लेकिन ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम ये तो अलग ही प्रकार की क्लोरोसिस है ना बेटा, यानी अपन बात करते हैं कि इंटरवीनल क्लोरोसिस में ही
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटल्ड जो क्लोरोसिस होती है, मोटल्ड क्लोरोसिस। तो आप जानते हैं कि इंटर विनल क्लोरोसिस में यह आपका उत्पन्न करता है मोटल्ड हरिमायनता, मोटल्ड क्लोरोसिस, क्लोरोसिस है ना बेटा। इन्हें आप क्या कहोगे, मोटल्ड हरिमायनता। अब ये समझ देता हूं मैं मोटल्ड हरिमायनता। पहले तो आप ध्यान से सुनना कि जैसे पत्ती है, ये लो जी पत्ती, और पत्ती के अंदर ये वीन है, ये वीन, ये मिडरिब है मुख्य वीन, और ये वीन्स हैं, ये वीन्स हो गई जी, ये लो ये वीन्स हो गई सिरा, ये वीन्स जो सिराएं हैं, ये ना सिराएं। अब आप जानते हैं इंटरविनल यानी सिराओं के बीच में, अब मोटल्ड क्या होता है, मोटल्ड हरिमायनता क्या होती है, ऐसे ऐसे अपन बात रहे कि इन सिराओं के बीच में ऐसे स्पोट बनेंगे, स्पोट। तो आप जानते हैं ये क्या बनेंगे, क्लोरोटिक, क्लोरोटिक स्पोट, जो पीलेपन के स्पोट बनेंगे, धब्बे बनेंगे, स्पोट बनेंगे। तो ये क्लोरोटिक स्पोट है ना, यही आपकी क्या है, मोटल्ड हरिमायनता है, मोटल्ड हरिमायनता। तो ये किसकी कमी से होती है, पोटेशियम, यस बेटा। इसके अलावा तुम जानते हो मोटल्ड हरिमायनता हो गई, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, ये बहुत अच्छा इसका है, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, जो कैम्बियम की सक्रियता होती है उसका कमी होती है पोटेशियम कमी से, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी, एदा सक्रियता का नाश, यस। इसके अलावा देखो आप दिमाग लगाओ, मैंने वहां आपको कहां कहां ये लक्षण लिखाए थे पोटेशियम को, किस किस में बताया था मैंने, क्लोरोसिस में बताया था, नेक्रोसिस में बताया था, कोशिका विभाजन के संदर्भ में भी, क्योंकि विद्युतक भाग पे है। तो देख जानते हो कि ये नेक्रोसिस में भी, नेक्रोसिस भी उत्पन्न करेंगे, उत्तक सही धब्बे रही है। फिर आप जानते हो कि सेल डिवीजन कोशिका विभाजन का संदमन भी होगा, इनिबिशन संदमन भी होगा। तो ये सारे डिजीज किससे होते हैं, या फिर ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये किससे आते हैं, मतलब पोटेशियम, किससे आते हैं बेटा, पोटेशियम, यस बोलो बोलो। अब अपन देखो आपको नेक्स्ट बताते हैं, यानी फिर आपको भी अपन नेक्स्ट बताएंगे आपको। तो अब थोड़ा सा मैं सारी चीज़ें बोल देता हूँ, क्योंकि आपको एक एक लाइन पे एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें रिवाइज होगी, ताकि अपन एन टू मेटाबोलिज्म को फिर आगे अच्छे से पढ़ा सकें। बात को समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, अब व्रत पोषक में ही मैं आपको फोर्थ बताता हूं, वो आपका है कैल्शियम। सी ए से दर्शाते हो, अच्छा सुनो, पादप इस कैल्शियम का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो आप भी अच्छे से जानते हो कि अवशोषण किस रूप में होता है, कैल्शियम आयन। अब बताओ देखो, ये बाइवेलेंट है ना, है ना, डाइवेलेंट, ये बाइव बोल दे अपन, डाइवेलेंट द्विसंयोजी धनायन है, डाइवेलेंट कैटायन आपका है ना, द्विसंयोजी धनायन, बोलो कैल्शियम, बोलो बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम आयन के रूप में, कैल्शियम के रूप में इसकी आपकी होती है। अब सुनो देखो, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम मैं होता हूँ, इसका आवश्यकता कहाँ होती है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता। तो आप जानते हो कि आवश्यकता इसकी कहाँ होती है कैल्शियम की, कि मेरिस्मेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, यानी मतलब विभज्योतकी, मतलब मेरिस्टमेटिक व विभेदित उत्तकों में आवश्यकता होती है, यानी डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, यस बेटा, समझ रहे हो, है ना। पादप को आप जानते हैं बेटा कि मेरिस्मेटिक रिक्वायर्ड बाय मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ये सबसे है। लेकिन आप जानते हो इसका संचय कहाँ होता है, इसका
संग्रहण मुख्यतः पुरानी पत्तियों में होता है, क्योंकि ये इमोबाइल है ना, अगतिशील है, तो इसका संग्रहण मुख्यतः पुरानी पत्तियों में होता है। क्योंकि जो विभेदित या स्थायी अंग बन जाते हैं वहां ये घटक है संरचना का, तो आप जानते हैं कि संग्रहण मुख्यतः पुरानी पत्तियों में होता है। इसका एक्युमुलेशन किसका? कैल्शियम का। बात को समझे? और आप जानते हैं कि इसका पुरानी पत्तियों में संग्रहण होता है किसका बेटा? कैल्शियम का। यस। अब इसके कार्य की कार्य, फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब इसके फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल या जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं इसके? यस बेटा, तो मेरी बात सुनना कि जितने भी इसके फिजियोलॉजिकल रोल हैं, जो कार्य की कार्य हैं किसके? कैल्शियम के। तो ध्यान से सुनना, मैं बता दूं आपको कि देखो बेटा, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्तियों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। बात को समझे? तो आपको पता है जब कोशिका विभाजन में आपने साइटोकाइनेसिस में आपने प्लांट के अंदर प्लेट मेथड पढ़ा, बात को समझे, तो वहां आप जानते हैं कि जो मिडिल लेमिला होता है किसका बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का। मुख्यतः किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। तो कोशिका विभाजन के समय या कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्तियों के संश्लेषण में सहायक, क्योंकि कोशिका भित्तियों में जो मिडिल लेमिला होता है, मिडिल लेमिला मध्य पटली का, मुख्यतः किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट। ये तो होता ना कैल्शियम पैक्टेट मध्य पटली का। अरे बोलो, पढ़ा आपने सेल बायोलॉजी में? तो मैंने कहा था ना इधर उधर से ही रिलेट होगा आपका। बोलो बेटा, है ना? और मतलब जैसे कैल्शियम पैक्टेट होता है मिडिल लेमिला में, इसी प्रकार आप जानते हो कि तर्कु तंतुओं के संश्लेषण में आवश्यक है, स्पिंडल्स के, वहाँ भी कैल्शियम डिफरेंशिएशन आपका होता है। तो तर्कु तंतुओं स्पिंडल के निर्माण में आवश्यक, आवश्यक आपका होता है ना डा? यानी अपन कहेंगे तर्कु तंतुओं के निर्माण के लिए आपका आवश्यक होता है। यस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गुणसूत्र के संगठन में, ऑर्गेनाइज ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्र के संगठन में भी आवश्यक होता है। संगठन में भी आवश्यक होता है ना बेटा? कौन है? कैल्शियम। यस बेटा। इसके अलावा तुम जानते हो कि मतलब कोशिका झिल्ली की सामान्य जो कार्यशीलता होती है, फंक्शनिंग होती है, उसमें ये सम्मिलित होता है। यानी पीएम की, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता को नियंत्रित करता है, मतलब जो कोशिका झिल्ली है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, जो कार्यशीलता होती है, उसमें ये सहायक होता है। कौन है? कैल्शियम। बात को समझ रहे हैं? अरे बोलो भी। इसके अलावा तुम जानते हो कि अनेक एंजाइमों, एटीपीएज है, फॉस्फोलाइपेज है, अल्फा एमाइलेज है, ध्यान से सुनना, अनेक एंजाइमों एटीपीएज, अल्फा एमाइलेज, फॉस्फोलाइपेज जो वसा के ना का सक्रियण एक्टिवेटर के रूप में, सक्रियण के रूप में होता है। बात को समझ रहे हैं आप? बोलो बेटा। अरे भाई समझो, क्लियर। और आप जानते हैं बेटा कि कैल्शियम की अपन बात करेंगे तो इसके अलावा और किस में होगा भाई? कि जो उपापची क्रिया विधियों का नियमन में इसकी मुख्य भूमिका है, उपापची गतिविधियों का नियमन, रेगुलेशन के अंदर इसकी मुख्य भूमिका है। किसकी? कैल्शियम की। बात को समझ रहे हैं? ये बात है आपकी। और जानते हो कि अगर कमी हो जाए
तो नेक्रोसिस डिफिशियंसी में आपको नेक्रोसिस में लिखवाया है, डेफिशियंसी सिम्टम में, यानी नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में आपको बताया। यस, क्या कैल्शियम। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाई वहां आप समझ पाते हैं बेटा कि ये सारी बातें हुई किसके लिए, कैल्शियम के लिए। यस बेटा, और क्या होगा डिफिशियंसी जो है कि भाई कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स हो जाएगा, इन चीजों के अंदर ये आपका हेल्प करेगा। क्लियर। तो ये सारा आपका हो गया किसके लिए बेटा, कैल्शियम के लिए। किसके लिए हो गया भाई, कैल्शियम के लिए। यस, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो व्रत पोषक ही है, पांचों तत्व आपका आ जाएगा, सल्फर, सॉरी उससे पहले सल्फर से पहले मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब अपन आ जाएंगे किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर। तो किससे लिखते हैं बताओ, Mg से पढ़ते जाए बेटा, मैग्नीशियम आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ कि जो मैग्नीशियम अगला तत्व आपका आ गया वहां पर, क्लियर बेटा, उसको सबसे पहले प्लांट किस रूप में अब्जॉर्ब करते हैं बताओ, प्लांट किस रूप में अब्जॉर्ब करते हैं भाई, मैग्नीशियम आयन Mg+2 के रूप में। तो अवशोषण की बात करोगे आप, तो Mg+2 के रूप में, डाइवेलेंट है ना, द्विसंयोजी है, मैग्नीशियम आयन के रूप में। वही अपन बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, आवश्यकता कहाँ होती है। तो अपन फटाफट फटाफट किसकी बात करेंगे, इसकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि जो ग्रोइंग एरिया, जो रूट एंड स्टेम, सीड और लीव्स, तो पादप के जो वर्धिकारी भाग हैं, वर्धिकारी भागों जैसे आप जानते हो कि प्रोशीर्ष विभाजोतक है या मूल शीर्ष विभाजोतक है, बात को समझ रहे हैं आप। तो आप जानते हैं बेटा कि जैसे मैग्नीशियम की जो आवश्यकता होती है वो आप जानते हैं कि पादप के वर्धिकारी भागों, यानी प्रोशीर्ष विभाजोतक हो गया, यस बेटा, जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं प्रोशीर्ष विभाजोतक या मूल शीर्ष विभाजोतक, या अपन कहें सीड, बीज या लीव्स, तो यहां ये ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी। फिर आप देखो बेटा, अपन आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल रोल, यानी इसकी कार्यात्मक भूमिका, यानी फंक्शन। यस बेटा, आप देखिएगा कि जो मैग्नीशियम के फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस, कि ये क्लोरोफिल की संरचना का सबसे मुख्य घटक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, और यानी रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, तो आप क्या कहोगे कि यह क्लोरोफिल, और ये प्रकाश संश्लेषण बनाएंगे भी कि क्लोरोफिल की संरचना का मुख्य घटक है जो N4Mg रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वाले संरचना रिंग, पायरोल रिंग बनेगी, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, समझ गए ना। तो ये आप जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल रोल आपका अपने यहां पर करा रहे हैं। और तुम जानते हो कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, अब ये इसमें प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम की जो दोनों पिकाइयां होती है, राइबोसोम की दोनों पिकाइयों उपिकाइयों
कि बाइंडिंग करता है ना, बाइंडिंग एमआरएनए पे, बाइंडिंग में सहायक। जैसे बेटा प्रोटीन संश्लेषण से पहले राइबोसोम की इकाइयां अलग अलग होती है और ये एमआरएनए आ जाता है, तो पहले आप जानते हो कि छोटी सब यूनिट, फिर आप जानते हो लार्ज सब यूनिट आती है, तो ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, राइबोसोम की बाइंडिंग में हेल्प करता है, है ना। जैसे आपको अच्छे से बताया होगा 80S में 60S और 40S। अच्छा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब कोशिका के अंदर 0.001 m पहुंच जाती है तब अपने आप ये बाइंड हो जाती है। बात को समझे तो ऐसा आपको सेल बायोलॉजी में बताया होगा। यस बेटा, और इसके अलावा अपन बात करते हैं कि कई सारे जो आप जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूँ मैं, जो आपको बता चुका हूँ वैसे मैं, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उपापचय है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और वह श्वसन में प्रयुक्त अनेक एंजाइम, अनेक एंजाइमों का सक्रियक है, अनेक एंजाइमों का सक्रियक। जैसे मैंने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्रांतिक, वहां पर यह है क्रांतिक तत्व है कि जब CO2 स्थिरीकरण में, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे मैग्नीशियम जो आयन है ये इन जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक एंजाइम है रुबिस्को, बोलो बताया था ना, रुबिस्को और पैपकेज जो CO2 स्थिरीकरण में प्रकाश दौरान, प्रकाश संश्लेषण दौरान प्रयुक्त होते हैं, तो इनका एक्टिवेटर है। अच्छा, श्वसन में जैसे अपन बताएंगे भी ग्लाइकोलाइसिस आगे पढ़ेंगे, जब श्वसन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ ग्लाइकोलाइसिस पहले ही हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज फोस्फोइनोलेज है, इन सब का सक्रियक होगा कौन है, मैग्नीशियम आयन। बोलो, यस बेटा। तो आप जानते हैं इसी प्रकार वहाँ लिंक रिएक्शन आएगी, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होगा पायरवेट डिहाइड्रोजनेज, उसका कोफैक्टर के रूप में आएगा मैग्नीशियम आयन। बात को समझ रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, जैसे मतलब हाँ, डीएनए आरएनए के संश्लेषण में ये भी सम्मिलित होता है, डीएनए आरएनए के संश्लेषण में ये मैग्नीशियम भी आपका सम्मिलित होता है। बात को समझे। तो आपने क्या कहा कि भाई क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, विभिन्न एंजाइमों का सक्रियण है, है ना, डीएनए आरएनए के संश्लेषण में आवश्यक है, राइबोसोम की संरचना का नियमन कर रहा है। बात को समझे। जब इसकी सांद्रता 0.001 एक मतलब 1 mm पहुंच जाती है, बात को समझे, वहां पर आपको समझाई गई है। तो ये सारे काम ये करता है कौन है, मैग्नीशियम। बोलो बोलो। अब देखो बेटा, और मैं आपको कहता हूं कि मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो वहां देखो, मैंने आपको जो डिफिशियंसी सिम्टम कराए थे, है ना, चाहे वो मैंने आपको क्लोरोसिस कराया था, चाहे नेक्रोसिस कराया था, यस, इन दोनों में आपका मैग्नीशियम था। और मैग्नीशियम यहाँ क्या करता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, और वो भी ओल्डर लीव्स में ही करेगा ये, है ना। मैग्नीशियम की जो डिफिशियंसी होगी तो बेटा क्या करेगा, इंटरवेनल वही क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, और ये गतिशील होता है पुरानी पत्तियों में ही करता है ये, क्योंकि गतिशील है पहले पुरानी पत्तियों में। तो वही मैंने बता दिया ना कि इंटरवेनल क्लोरोसिस यानी सिराओं के बीच बीच में, तो आप जानते हैं कि ये क्लोरोसिस इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। इसके अलावा तुम जानते हो किसमें आ जाएगा, नेक्रोसिस में, नेक्रोसिस में। तो ये सारे इसके क्या होंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं आप। ये किसकी बात हो गई, मैग्नीशियम की, और ये बात आपकी होगी मैग्नीशियम की, तो ये आपका हो गया, क्लियर बेटा। और भी जब अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, तो बेटा ये जगह जगह आपके ये आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। यस मेरे बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। चलो अगले पे चलते जाओ। अब मैक्रो एलिमेंट के अंदर आपका एक बचा है, क्योंकि CHO तो नॉन मिनरल है, बाकी के 6 NPK CAMGS। तो आप जानते हैं NPK। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं, एक लाइन अब यहाँ बीच में चाहे यहाँ नोट कर लेना, या पहले वहाँ नोट कर लेना, कि जो NPK है ना वो क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रांतिक तत्व है। क्रांतिक तत्व कैसे हैं कि ये पौधों को सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है, और मृदा में इनकी सीमितता ही है।
जलीय पारितंत्र की उत्पादकता कम होती है, प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ नाइट्रोजन ही सीमाकारी होता है, प्रकाश नहीं जाता गहराई पे, और स्थलीय पारितंत्र के लिए जो सीमाकारी होता है फॉस्फोरस होता है। तो एक क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रांतिक तत्व होते हैं आपके, NPK बोलते हैं। यस, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बीच में करवा दिए। अब देखिएगा जो अगला आपका मैक्रो एलिमेंट है वो आपका है सल्फर। सल्फर है बेटा, तो सल्फर को ऐसे दर्शाते हो। अच्छा, अब पौधे इसका अवशोषण किस रूप में करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ फटाफट कराऊंगा अब आपको। अवशोषण करते हैं सल्फेट आयन के रूप में, सल्फेट आयन, ये डाइवेलेंट एनायन है, रिनायन है, तो सल्फेट आयन के रूप में। अच्छा, इसी रूप में करते हैं ना, अब देख लेना भैया एनसीईआरटी के अंदर है। तो ध्यान से सुने कि सल्फर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ऐसे लगा दिया करो उसको, 2 माइनस सल्फेट आयन। यस बेटा, अब इससे अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक बार दो तीन बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया सल्फर के लिए, कि देखो बेटा इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। रिक्वायरमेंट मैं बता दूँ आपको, विवज्योतक और यंग लीव्स, जो तरुण पत्तियाँ होती है ना यंग लीव्स पर, तो रिक्वायरमेंट, हुशार हो गए ना अब तो आप, मेरिस्टेम टिश्यू यानी विवज्योतक उत्तक और यंग लीव्स तरुण पत्ती। अरे तरुण कच्ची यंग और ओल्ड आप जानते हो बूढ़ी हो जाती है, तो तरुण पत्ती। यस, अच्छा सुनो कि मैं आपको बात बताऊं, जो सल्फर है सल्फर सल्फेट है ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट सल्फर का जो है फिजियोलॉजिकल रोल, और फिजियोलॉजिकल रोल सबसे इंपॉर्टेंट और कहाँ आवश्यक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कार्य की भूमिका। तो बेटा देखो, पहला ही क्वेश्चन है इसकी कार्य भूमि में, कि जानते हो ये सल्फर युक्त जो एमिनोमल है ना, मिथियोनिन और सिस्टीन, तो उसका आप जानते हो कि घटक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई जो सल्फर है, मैं आपको बता दूं एमिनो एसिड जो सिस्टीन और मिथियोनिन है। यस बेटा, यानी मिथियोनिन और सिस्टीन आपके हैं, तो यह है एमिनो एसिड, जैसे मिथियोनिन व जो अपन बात रहा है कि आपका जो मिथियोनिन है और क्या है सिस्टीन, ये दो हैं मिथियोनिन और सिस्टीन। का घटक है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टू एमिनो एसिड, सल्फर कंटेन एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। यस बेटा, और आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, कि भाई ये जो सल्फर है ये कई सारे जो एंजाइम है या और भी कई घटक उनके संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो और उनका संरचनात्मक घटक भी होता है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि यह विभिन्न कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम के संश्लेषण में सहायक है। अब बेटा आपके वो कोएंजाइम कौन से हैं जिनके संश्लेषण में सहायक है। यस बेटा, तो कुछ कोएंजाइम ए है ना, या फिर जैसे कुछ विटामिन के संश्लेषण में सहायक है, थियामिन और बायोटिन, थियामिन और बायोटिन, तो ये भी कुछ बातें हैं। यस बेटा, कि थियामिन व बायोटिन एंजाइमों के सॉरी जो थियामिन और बायोटिन
विटामिन, विटामिन के संश्लेषण में सहायक, यहां ध्यान देना आप थोड़ा सा, समझ गए। इसके अलावा तुम जानते हो किस किस का संरचनात्मक घटक है ना, जो रिडक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में यूज होते हैं, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम भी आपके होते हैं उपापचयी क्रियाविधि के दौरान, जैसे को एंजाइम ए और फेरोडॉक्सिन, जानते हो फेरोडॉक्सिन प्रकाशन पढ़ोगे FeS, जैसे वो जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा ना साइक्लिक, तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा FeS, तो वहाँ आप जानते हो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होंगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ये बहुत मुख्य भूमिका, उसका घटक है फेरोडॉक्सिन का FeS। सल्फर युक्ति आप उसको कहते हो कि नहीं कहते हो, बताओ है कि नहीं है। तो ये कई बार अपन बात रहा कि आपका क्वेश्चन होता है कि कई विटामिन थियामिन बायोटिन के संश्लेषण में, कोएंजाइम फेरोडॉक्सिन जो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होते हैं उनमें आपका हो गया, और आप जानते हो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एंथोसाइनिन का जमा होता है, जो पीला ही है एंथोसाइनिन पीला ही होता है, एक्यूमुलेशन करता है, तो जानते हो एंथोसाइनिन के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, यस मतलब जो क्लोरोसिस होगी ना, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में सहायक होगा डिफिशियंस सिम्टम, तो क्लोरोसिस बताओ ये अगतिशील तत्व है, तो जानते हो डिफिशियंसी सिम्टम्स में जो क्लोरोसिस होगी बेटा, क्लोरोसिस वो पहले पुरानी पत्तियों में नहीं होगी, पहले यंग लीव्स में होगी, ये पहले अच्छी बात इसकी, यंग लीव्स में, अच्छा क्वेश्चन आता है, पहले यंग लीव्स में होती है हरी माइनता क्लोरोसिस सल्फर की कमी से। इसके अलावा तुम जानते हो पुष्पन में देरी होती है, डिले इन फ्लावरिंग भी आपका आया था, NSMO बताया था मैंने आपको, तो पुष्पन में देरी भी करता है, यस पुष्पन में देरी, और ये एंथोसाइनिन के जमाव को बढ़ा देता है ना, तभी तो क्लोरोसिस होती है, एंथोसाइनिन के जमाव को बढ़ा देता है, बात को समझ रहे हैं। तो ये सारा आपका करता है बेटा, तो ये सारी बातें आपके लिए किसके लिए होगी, सल्फर के लिए। तो ये आपके सारे जितने भी जो वृत्त पोषक तत्व थे वो सारे हो गए जो मैक्रो एलिमेंट। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को, शॉर्ट के अंदर सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को किस रूप में अब्जॉर्ब किया जाता है और क्या आपके उसके लिए होता है, तो बता देता हूं मैं। हाँ तो देखिए बेटा, माइक्रो एलिमेंट जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, और सूक्ष्म मात्रिक तत्व के अंदर जैसे अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आयरन, Fe आयरन, तो ये फंक्शनल मैक्रो एलिमेंट है, ये बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन आता है फंक्शनल मैक्रो एलिमेंट कि कार्यात्मक रूप से इसको वृत्त क्यों माना जाता है, क्यों कि सभी सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन आवश्यक होता है, यानी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तुलना में इसकी ज्यादा मात्रा आवश्यक होती है, यानी सभी सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन आवश्यक होता है, इसलिए बेटा ये क्या है, फंक्शनल मैक्रो एलिमेंट, यस। और 2018 में जो क्वेश्चन आया मैं आपको बता दूं कि इसका अवशोषण हमेशा और हमेशा एनसीईआरटी में लिख रखा है Fe+3 फेरिक आयन के रूप में होता है, इसका अवशोषण हमेशा और हमेशा किसके रूप में होता है, फेरिक आयन। कुछ बुक या जो मतलब सीट होती है अपनी, वहां पर अपन ऐसे लिख देते हैं Fe3+ और Fe2+ से लिखा आता है, तो बच्चे समझ लेते हैं कि भाई फेरिक और फेरस दोनों के रूप में होता होगा। अच्छा वहां जब क्वेश्चन आता तो ऑप्शन भी आया था कि आयरन को पौधे मुख्यतः अवशोषित करते हैं फेरिक आयन के रूप में, फेरस आयन के रूप में, फेरिक और फेरस दोनों के रूप में, तो सभी ने क्या किया था, दोनों का आंसर किया था, लेकिन गलत हो गया था, बात को समझे, यानी एक ही आंसर आएगा बेटा कि पादप आयरन को मृदा से फेरिक आयन Fe+3 के रूप में अवशोषित करते हैं, ये नीट का आपका क्वेश्चन है, बात को समझे 2018 का, यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस आयरन की रिक्वायरमेंट कहाँ है, पौधे में हर जगह ही है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में या प्रकाश संश्लेषण में जब आप जानते हो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक, तो इलेक्ट्रॉन वाहकों का बहुत सारों का घटक होगा रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, तो जानते हो यह विभिन्न रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन वाहकों का घटक है फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन में बताया था FeS, सल्फर भी है आयरन भी है साइटोक्रोम, यस। और बहुत सारी जगह मैं आपको बताऊंगा, जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगा रिवर्स ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, जैसे ये फेरोडॉक्सिन क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इस पर आ जाता है Fe+3 में, मान लो अभी क्या करेगा कि आप जानते हो बेटा कि जैसे
ये Fe प्लस टू में है मान लो, अब ये किसी को क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe थ्री प्लस में। तो आप जानते हैं कि वहाँ रिवर्स ऑक्सीडेशन दे रखा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वहाँ ये सहायक होता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण में या अन्य पिगमेंट के संश्लेषण में भी सहायक है, कौन, आयरन। यस बेटा, तो बहुत अच्छी बात आपके सामने मैंने बताई कि देखो आयरन है ना वो साइटोक्रोम फेरोडॉक्सिन का घटक है, नाइट्रोजनेज को भी एक्टिवेट करता है, और एक हाँ एक अच्छी बात, यह एक एंजाइम होता है कैटेलेज, कैटेलेज बताया था ना मैंने, कैटेलेज, तो कैटेलेज का सक्रियक है आयरन, कैटेलेज का सक्रियक है कौन है, आयरन, बात को समझे। तो ये मैंने आपको बात बता दी, और ध्यान से सुनना कि आपने आयरन के लिए और क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है प्रकाश संश्लेषण में शोषण में तो वहाँ ये बहुत रोल करता है, और क्लोरोफिल के और अन्य वर्णकों संश्लेषण में भी करता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार होता है ये, यस बेटा, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये मैंने आपको सारे रोल कहाँ करा दिए, आयरन के अंदर, और रिवर्सिबल ऑक्सीडाइजिंग Fe2 टू Fe3 आप जानते हो कि ये कर सकता है, क्योंकि Fe2 जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिवर्स ऑक्सीडेशन अभी अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे, यस बेटा। उसके बाद देखिएगा मैग्नीज, तो मैग्नीज को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नीज आयन के रूप में, Mn प्लस टू के रूप में, रिक्वायरमेंट लीव्स और सीड में होती है। अब आप जानते हो कि जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन पढ़ेंगे है ना, अचक्रिय है ना, कि पी एस सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन घूम फिर के पी एस फर्स्ट की ओर कहीं चला जाए, वापस नहीं आएगा रिएक्शन सेंटर पे, तो तुम जानते हो वहाँ पर एक बनेगा ओ ई सी, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, या जल का प्रकाशिक अपघटन संकुल बनेगा, तो वहाँ मैग्नीज आयन मैनली और क्लोराइड आयन होंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन विमुक्ति के लिए जल के प्रकाशिक अपघटन में मुख्य भूमिका मेजर रोल होता है, उस फोटोलाइसो वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग, उस जल को तोड़ने में ताकि उसकी स्प्लिटिंग के थ्रू ऑक्सीजन की विमुक्ति हो सके, तो जल के प्रकाशिक अपघटन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाशिक अपघटन में, फोटोलाइसो वाटर में, या ओ ई सी, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो ऑक्सीजन विमुक्ति के लिए तो होता है, समझ रहे हो, ये आपका मैग्नीज, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, और इसके अलावा एंजाइम रेस्पिरेशन में या प्रकाश संश्लेषण में कई एंजाइम होंगे उनका ये एक्टिवेटर भी होगा। अच्छा बता दिया ना, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण शोषण नाइट्रोजन उपापचय में सम्मिलित अनेक एंजाइम का सक्रियण भी होगा। अच्छा इसकी कमी हो जाए तो ग्रे स्पॉट ऑफ ऑट, जई में दूसरे धब्बे, या मार्स स्पॉट ऑफ डिजीज ऑफ पी, मटर में मार्स स्पॉट बनते हैं, ये इस मैग्नीज की कमी के लक्षण हैं। यस बेटा बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये जो आपका मैग्नीज है, क्लियर है। अब देखिएगा बेटा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो समझाऊंगा, आगे आपका जाएगा जिंक। तो बताओ जिंक का अवशोषण किसके रूप में होता है, जिंक आयन के रूप में होता है, जिंक आयन। रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, इसकी भी हर जगह ही रिक्वायरमेंट होती है, पौधे के हर भाग में रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्य, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोक्सिलेज, मेनली तुम जानते हो ये कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। ये आपने क्या कहा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज का घटक है, डिहाइड्रोजिनेज का क्या है, घटक। जब आप एल्कोलिक किनोन पढ़ेंगे अपन आगे शोषण में तो एक काम में आएगा, यस बेटा। तो देखो इसके अलावा देखो इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्जिन के संश्लेषण में सहायक होता है, ये जो जिंक आयन होते हैं ना ये ऑक्जिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अच्छा अगर ट्रिप्टोफेन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं, ट्रिप्टोफेन संश्लेषण में भी ये सहायक होते हैं, कौन है, जिंक। अगर डिफिशियंसी हो जाए तो लीफ माल फॉर्मेशन ऑफ लिटिल लीफ, यानी खनिज की कम हो जाएगी तो छोटी पत्ती बनेगी, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ। या जिंक की कमी से चावल में खेरा रोग, चावल में खेरा रोग, और मक्का में श्वेत कलिका रोग, वाइट विप इन मेज, यानी जिंक की कमी से चावल में तो खेरा रोग, ये क्वेश्चन आ चुका अभी, और मक्का में श्वेत कलिका रोग, ये सारे आपके रोग होंगे, बात को समझे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड अपनी हो गई, किससे, जिंक से, यस बेटा। उसके बाद देखो कॉपर, तो कॉपर को अवशोषण किस रूप में थे, सी यू प्लस टू, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन।
और जानते हो कोशिका की सामान्य उपापचय क्रियाओं में आवश्यक होता है, और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारी जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में ये भी सहायक होता है, कौन? कॉपर। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, सारी बात आपको करनी है बेटा, सारी चीज़ें क्लियर करनी है आपको, समझ गए? यस। इसके अलावा मैं और अब आपको बता देता हूँ केवल, क्योंकि बाद में अपन को खनिजों का अवशोषण कैसे होता है और परिवहन कैसे होता है, और फिर अपन चले जाएंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे। तो शॉर्ट में मैं अब आप एनसीईआरटी से ये एक एक शब्द क्लियर करोगे भाई, लेकिन देखो यार एक एक शब्द इसका क्लियर करोगे, क्योंकि सब दे रखा आपको वहाँ पे, सभी तत्वों के नाम और सारे शब्द वहाँ एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। हाँ बेटा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि देखो अगले तत्व, अगर मैं आपको अगले तत्वों की बात करूं, जैसे मैं आपको बता दूं बोरोन के बारे में, किसके बारे में बता दूं? बोरोन सूक्ष्म मात्रिक में ही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बी से दर्शाते हो ना बोरोन को। अच्छा बोरोन का पादप अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो पादप बोरोन का जो अवशोषण करते हैं आपको भी पता है अच्छे से, है ना बेटा? तो आप समझ सकते हो बेटा कि पौधे बोरोन आयन जो बोरोन का है वो किस रूप में अब्जॉर्ब करते हैं, तो आप क्या कहते हो BO33- या फिर B4O7, जो B4O7 2- ये बोरेट आयन होता है, बोरेट आयन 2- तो ये बोरेट आयन के रूप में करते हैं। यस बेटा किसका? बोरोन का, बोरेट आयन के रूप में। अच्छा सुनो बोरोन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? पत्तियों में और बीजों में, बताओ रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? पत्तियों में और बीजों में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पत्तियों और बीजों में, लीव्स और सीड में। अच्छा अब इसके कार्य क्या क्या हो जाएंगे बोरोन के मैं आपको करवा दूं। यस बेटा तो देखिएगा कि रिक्वायर्ड और अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, सुनो कैल्शियम बोरोन साइको का कैल्शियम के अवशोषण में उद्ग्रहण में और उसका उपभोग कहाँ पे हो, यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो, इसमें कौन हेल्प करेगा? बोरोन। बात को समझ रहे हैं? तो यह कैल्शियम के अवशोषण यानी अपटेक व उसके उपयोग, मतलब उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? के लिए आवश्यक होता है, कौन होता है बेटा? बोरोन, समझ गए? इसके अलावा और क्या बात बताऊं मैं आपको, और कई कामों के अंदर आप जानते हो कि जो बोरोन होता है वो किसमें सम्मिलित होता है? सेल मेम्ब्रेन की कार्यशीलता में, यानी उसकी पारगम्यता का नियंत्रण करता है, तो कोशिका झिल्लियों की फंक्शनिंग में सम्मिलित होता है, कोशिका झिल्लियों की पारगम्यता का नियंत्रण करता है। यस बेटा है ना, पारगम्यता का नियंत्रण करता है। और तुम्हें पता है आपको एम्ब्रियोलॉजी में बात करेंगे कि वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण में सबसे ज्यादा सहायक है, पराग कणों के अंकुरण में सहायक है, ये बहुत अच्छा आएगा पोलन ट्यूब बनने में, अंकुरण में सहायक होता है, है ना बेटा? बोरोन जानते हो ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको इस बोरोन के लिए कि भाई आपने बताया कि मतलब इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्लियों के कार्य के नियमन में सहायक होता है, पोलन जर्मिनेशन में आपका सहायक होता है, और आप जानते हैं फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ के स्थानांतरण में भी सहायक, अभी आपने पढ़ा था ना फ्लोएम ट्रांसलोकेशन सुक्रोज के रूप में, तो वहाँ बोरेट सुक्रेज आपका बोरेट और सुक्रोज कॉम्प्लेक्स बनता है। यस तो फ्लोएम के द्वारा मैं बता दूं, फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों
के स्थानांतरण में, क्योंकि आप जानते हो कि बोरेट सुक्रोज कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी शर्कराओं के स्थानांतरण में ये सहायक होता है बेटा। बोरेट सुक्रोज कॉम्प्लेक्स बनता है कौन? बोरोन। इसके अलावा आप जानते हैं कि कोशिका विभेदीकरण है ना और दीर्घीकरण के लिए आवश्यक होता है, सेल डिफरेंशिएशन में बहुत आवश्यक होता है ये। यस बेटा, तो कोशिका दीर्घीकरण जब इलोंगेशन के बाद विभेदीकरण होता है, दीर्घीकरण व विभेदीकरण में सहायक होता है। सारे पॉइंट आगे क्लियर कर देंगे तो ये सहायक होता है। यस बेटा, इसके अलावा तुम जानते हो कि और किन किन चीजों के अंदर ये आवश्यक होता है भाई बोरोन, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका दीर्घीकरण और विभेदीकरण डिफरेंशिएशन में सहायक होता है बोरोन, समझ रहे हो, और इलोंगेशन में और सेल डिफरेंशिएशन में। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एपिकल डोमिनेंस का लॉस हो जाएगा, यानी मतलब शीर्ष प्रमुखता का, ये आगे पढ़ाएंगे। और लेग्यूम के अंदर जो ग्रंथिकाएं बनती है ना, रूट नोड्यूल बनेगी, अभी आगे पढ़ेंगे मैंने एन टू फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो राइजोबियम लेग्यूम में जो ग्रंथिकाएं बनेगी उनके वहां दिक्कत आपकी हो जाती है, किससे? बोरोन की कमी हो जाए। तो बात को समझ रहे हैं आप? तो बेटा आप जानते हैं कि देखो ये पानी और कैल्शियम के अपटेक को बढ़ा देता है, मेरिस्टेम एक्टिविटी को बढ़ा देता है, पोलन ट्यूब की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में या स्थानांतरण में सहायक है। यस, ये बात आपका करता है कौन? बोरोन। तो मैंने बोरोन के बारे में बता दिया आपको सारी बातें, ए टू जेड बातें। यस, इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट आपके हैं मैं अब आगे बात करता हूँ। जैसे मैं आपको बात करूँगा मोलीबिडेनम, एमओ मोलीबिडेनम एमओ। अच्छा सुनो, मोलीबिडेनम का मोली ब्लेड आयन यानी किसके रूप में एब्जॉर्ब होता है, तो आप क्या कहेंगे कि MOO42- अवशोषण किसके रूप में होता है? MOO42-। ये लो जी, मोलीब्लेड आयन के रूप में। सब काम इसके सुन लो, जो ये आप जानते हो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होगा उसका सबसे प्रमुख घटक होगा, जानते हो ना, एमओ, एफएमओ बताया था मैंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सबसे ज्यादा यूज आएगा, भी आगे बताएंगे, उसमें सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। समझे नहीं समझे? और आप सुन लें कि जो मोलीबिडेनम है ये पादप में हर जगह, ज़्यादातर रूट में, और उसका एक ही काम है कि बहुत सारे एंजाइम का ये घटक है, स्पेशली नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज भी आएगा बाद में, नाइट्रेट रिडक्टेज, और दोनों ही एंजाइम नाइट्रोजन उपापचय भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें सबसे प्रमुख एंजाइम होंगे नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये बातें सारी मैंने आपको बता दी किसके लिए? मोलीबिडेनम के लिए। बोलो बेटा। यस, इसके अलावा तुम जानते हो कि नेक्रोसिस भी करेगा, कमी हो जाएगी तो नेक्रोसिस वहाँ कॉमन कैरेक्टर में आपके पास में होगा एमओ, है ना, कोशिका विभाजन का संदबन भी होगा। यस, और क्लोरोसिस भी करता है, तो वही जो मैंने मोटल्ड पोटेशियम बताया ना, मोटल्ड क्लोरोसिस, तो वो आपके ये कमी के लक्षण आपके होते हैं मोलीबिडेनम के। यस, इसके बाद में देखिए और बता देता हूँ, क्लोरीन, और क्या बताऊँगा बताओ आपको, क्लोरीन, तो बताओ क्लोरीन किसके रूप में करते हैं? क्लोराइड आयन के रूप में। क्लोरीन को किसके रूप में करते हैं? क्लोराइड आयन के रूप में, क्लोराइड आयन। यस, वही क्लोरीन किस में हेल्प करता है कि जो एक तो कोशिका की स्पित्ता में, है ना, और एक आप जानते हैं कि जो मैग्नीज के साथ जल का प्रकाशिका पठन संकुल बना था उसमें हेल्प करता है क्लोरीन। बात को समझे? तो ये आपको मैं करा दो क्लोरीन। यस, वही जल के प्रकाशिका पठन के अंदर, एनायन कैटायन बैलेंस के अंदर। यस, और क्लोरीन की कमी भी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ मात्रा में हरिमाइनता हो सकती है, समझ गए? और आप समझ सकते हैं बेटा कि निकेल, फिर अपन बात करेंगे निकेल,
तो Ni प्लस टू निकेल आयन के रूप में अब्जॉर्ब करेगा इसको, निकेल को Ni प्लस टू या टू प्लस, है ना, निकेल आपका हो जाएगा। और निकेल की बात करेंगे तो डाइवेलेंट कैटाइन है लियो जो रूट में, ये यूरिएज एंजाइम और हाइड्रोजनेज एंजाइम मैंने आपको बताया था, है ना, और यूरिया के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, यूरिया उपापचय में, यूरिया मेटाबॉलिज्म यानी यूरिया के उपापचय में ये प्रयुक्त होता है। कौन, निकिल, और यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेटर है, बता दिया था आपको ये सब चीजें। तो मैंने इस प्रकार आपको ये सारे तत्व मैंने आपको करवा दिए, है ना बेटा, यानी जो सूक्ष्म मात्रिक में सारे तत्व आपको करवा दिए हैं भाई, बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज, इनसे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको करवा दी। और देखो मैंने आपको मोबाइल एलिमेंट भी वहाँ करवा दिए थे, इमोबाइल एलिमेंट भी करवा दिए थे, मिनरल नॉन मिनरल वो सारी बातें तो पहले मैंने आपको करवा दी थी। क्रांतिक तत्व NPK मैंने बता दिया, है ना, बैलेंसिंग एलिमेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम जो टॉक्सिक इफेक्ट को काउंट्रैक्ट करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी बेटा, बात को समझ रहे हैं। और देखिए नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे कि किस रूप में पौधे अपटेक करते हैं, सारे तत्वों के नाम तो मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया बेटा। अब देखिए कि अपन अगले टॉपिक के अंदर कैसे अवशोषण होता है, विधि क्या है, और N2 मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेटा। तो इसमें पूरा आप ये सारणी, एक एक तत्व नाम चीज़ें सब कुछ कर लें। तो इस लेक्चर में यहीं तक बेटा, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई फंक्शन है निकाल लें, इनसाइड से कोई छोटा मोटा पॉइंट भी, तो सारा आप लिख लिख के क्लियर कर लें। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच।